एक नंबर एमसीक्यू की श्रेणी में आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न देखेंगे जो गत वर्ष एग्जामों में आए हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है, इसलिए इन्हें थोड़ा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें इन्हें, ठीक है? चलिएगा, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है आज का, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। वैसे अगर हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो संबंध है वो होशंगाबाद शहर से है। होशंगाबाद बावई में उनका जन्म हुआ था, बट इसका जो आयोजन होता है वो जबलपुर में किया जाता है। मैं फिर आपको एक बात बोल दूं कि जो भी वीडियो बनाता हूं इसमें अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ डाउटफुल है तो उस पर आप बात कर सकते हैं, कमेंट करके भी या व्हाट्सएप से भी, ठीक है? चलिएगा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो जो ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक थी उसकी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा की गई थी, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा की गई थी। तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, उनका संबंध मध्य प्रदेश से है, इसलिए ये प्रश्न इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन है, कैसा चांद बना देती है रचना किसके द्वारा लिखी गई। तो कैसा चांद बना देती है ये रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, ए ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है? उन्होंने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, और अगर आप नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत फेमस रचना है हिम तिरंगनी, हिम किरटनी, ठीक है? उसी में ये आती है, इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला था। अगला जो प्रश्न है वो है, वीरों का कैसा हो वसंत ये रचना किसकी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों का कैसा हो ये वसंत एक रचना लिखी है, ये वीर रस की कविता है, और इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में और रचनाएं लिखी हैं जिसमें उन्मादिनी, रानी लक्ष्मीबाई, बिखरे मोती, है ना? तो इस तरीके से उनकी और भी रचनाएं हैं। अगला है हमारे पास प्रश्न है, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। अगर आपने इस सीरीज में मेरे पीडीएफ वगैरह देखे हों तो मैंने उसमें ये बताया था कि कालिदास सम्मान जो है तो वो 1980 से दिया जाता है, और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, यह एमपीपीएससी में भी आ चुका है और पूछा जा चुका है एग्जाम में, कि फड़के स्टूडियो जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो फड़के स्टूडियो जो है वो रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाए गए थे, कलाकार थे। तो फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, तो आप नाम थोड़ा याद रखिएगा, रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। तो विक्रम अवार्ड मध्य प्रदेश का खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, विश्वामित्र कोचों को दिया जाता है, एकलव्य अंडर 19 खिलाड़ियों को दिया जाता है। शिखर पुरस्कार का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार से नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है वो, जो 1980 से दिया जा रहा है, इसमें लगभग 62,000 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, प्रभास जोशी अवार्ड किस खेल में दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, और प्रभास जोशी पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखम्ब में दिया जाता है, ठीक है? इस खेल के बारे में और जानकारी आप प्राप्त कीजिएगा, मैंने पीडीएफ इनके भेजे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की नदी की लंबाई देखें तो वो लगभग 13-12 किलोमीटर है, 13-12 किलोमीटर, ठीक है, कुल लंबाई। बट प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न में पूछा गया नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर है 1077, ठीक है? 1077 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है, उसके बाद वो गुजरात और दूसरे राज्य मतलब गुजरात के बाद भरूच में होती हुई गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो कोच के लिए है, और ये कोच यहाँ पे कहीं दिया, हाँ दिया है, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए, BOT इसका बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, उसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश के कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो इसके सही आंकड़े में देखें तो मेरी जानकारी में इसका सही आंसर 1 है, क्योंकि मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी इंदौर से रिलेटेड है, बाकी भोपाल वाला प्रस्तावित है, ठीक है? अगला है हमारे पास, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न भी बहुत आता है एग्जाम में, अत्यधिक बार पूछा गया है, तो नक्शे में अपडेट करके देखिएगा। मेरी जानकारी में अभी 14 जिलों को छूती है
अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो। ठीक है, पहले शायद ये शाजापुर और आगरा को अलग अलग थी, तो ऐसे अब शायद 14 जिले हैं मेरी जानकारी में, वो चेक कर लेंगे, बाकी 14 जिले भी आंसर है। अगला प्रश्न है मेरे पास में, शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन जो शासन व्यवस्थाएं रही हैं उसमें एक शुंग काल आता है और उसका संबंध मध्य प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश के विदिशा में उसकी राजधानी रह चुकी है। शुंग साम्राज्य का जो राजा था, संस्थापना जिसने की थी, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसमें हमको दिया गया, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें ओटी दिए बालाघाट, उसको मैग्नीज नगरी कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है, कई बार एग्जामों में आता रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? तो इसमें से जो NH4 है वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। NH4 जो है वो मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई से होता हुआ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया है हमारे को कि मध्य प्रदेश के सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग स्टेट हाईवे कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा स्टेट हाईवे जो है, अभी के आंकड़ों मेरी जानकारी में, स्टेट हाईवे नंबर 19 है, जो लगभग 743 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 743 किलोमीटर लंबा है और ये उत्तर प्रदेश के जैतपुर से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए बीच को, मध्य प्रदेश को पार करते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हमारे सबसे ज्यादा जो है वो जिले टच करते हैं। ठीक है, और सबसे कम जो जिले हैं वो गुजरात से टच करते हैं। चलिएगा, अगला है, निम्न में से, सॉरी, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में नहीं रहता है, ये इतना टिपिकल कर देता है सवाल को। तो गुना टच करता है मेरी जानकारी में, नीमच करता है और मंदसौर करता है। अलीराजपुर है जो राजस्थान की सीमा को टच नहीं करेगा, वो गुजरात की सीमा को टच करता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, उसमें लिखा हुआ है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? क्योंकि हमारा संबंध ग्वालियर शहर से, और ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि LNIP कहाँ पर है, तो ग्वालियर में मेला ग्राउंड पर है। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश सांस्कृतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है और इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1957 में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के रूप में की गई थी, पर वर्तमान में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मध्य प्रदेश का चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? तो चित्रकूट अगर हम नक्शे के हिसाब से देखें तो एक यूपी वालों पर भी है और एक चित्रकूट हम पर भी है। तो जो हमारा चित्रकूट है वो सतना में लगता है, पर चित्रकूट नाम का जिला जो है वो यूपी वालों के पास है। ठीक है, तो इसलिए चित्रकूट जो है हमारे यहाँ पे सतना में, वो चित्रकूट जो धाम है वो यूपी वालों के पास है। अगला क्वेश्चन है वो है, बेजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बेजू बावरा जो थे, इनका असली नाम था वैजनाथ मिश्र, ये महान संगीतज्ञ थे और लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास के हैं ये, और चंदेरी से इनका संबंध है, चंदेरी में इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा आप संभल के देखिएगा इसको। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो मध्य प्रदेश में भाई 2 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो उज्जैन में महाकालेश्वर है, दूसरा खंडवा में। तो पहला कहाँ पर है भैया? उज्जैन में है। ठीक है, और दूसरा कहाँ पर है? दूसरा खंडवा में। दोनों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए या लिखना चाहें तो नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा खंडवा लिखते में गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, 2 मिनट। समझ जाइएगा, खंडवा को लिखने में आता नहीं है, पैटर्न ना आते सही। ठीक है, तो उज्जैन में जो है महाकालेश्वर है, खंडवा में ओंकारेश्वर है। अगला क्वेश्चन है, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो बहुत फेमस है केवटी, चचई, बहुटी, ये जलप्रपात जो हैं वो देखे जाए तो रीवा जिले में है, और रीवा जिले में एक तमसा नदी की सहायक नदी है महाना, यहाँ पे महाना ओटी में दी है और ये रीवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्यवेश में कहाँ थी? तो आपको मालूम है उज्जैन का पुराना नाम उज्जैनी था और ये इनकी राजधानी थी। ठीक है, विक्रमादित्य से इसका संबंध रहा है। अगला है, इंदौर घराना किसने स्थापित किया था? तो इंदौर घराना जो है वो उस्ताद आमिर अली खां द्वारा स्थापित किया गया था। उस्ताद आमिर खां लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये गायन किया करते थे। अगले प्रश्न में बात क्लियर हो जाएगी कि उस्ताद आमिर खां क्यों प्रसिद्ध थे। तो उस्ताद आमिर खां जो है वो ख्याल गायन किया करते थे। ख्याल गायन एक गायन की श्रेणी होती है, उसमें गाया करते थे ये। अगला है, ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया? तो ग्वालियर का जो गुजरी महल है वो राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका की याद में बनवाया था। तो राजा मानसिंह तोमर, ठीक है। और चूंकि वो गुर्जरी समुदाय से थी इसलिए इसको गुर्जर गुर्जरी महल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? सहस्त्रधारा और सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा इसमें ओटी दी है, हाँ दी है। इसमें कपिल धारा, दुग्ध धारा, अन्य भी हैं जो, और ये सब जबलपुर को बेड़ा घाट को टच करती हैं, तो नर्मदा नदी पर है ये। अगला देखेंगे हम, आखिरी क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से आज का, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा का क्या नाम है, ये बड़ा कार्तवीर्य, सॉरी कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी था? ये प्रश्न सुना नहीं है मैंने, पर मेरे को इतना जानकारी है इसके बारे में कि जो ये भगवान परशुराम थे उनके साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक है, इसे सशस्त्र बाहु भी कहा जाता था और इस राजा का संबंध जो है वो खरगोन जिले से था। अब खरगोन से रिलेटेड इसमें महेश्वर है, यस। तो ग्वालियर है नहीं, ग्वालियर खरगोन से है नहीं, इंदौर है नहीं, उज्जैन है नहीं, खरगोन महेश्वर। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको कहीं ना कहीं लाभ देंगे। इन प्रश्नों को आप बार बार देखें, जब भी समय मिले उसे देखा करें, पढ़ा करें। ये प्रश्न आपको सफलता लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।